छात्रों, आज हम कक्षा 10वीं में अध्याय 13 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी हमने पूर्व में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में अध्ययन किया था कि किस प्रकार विद्युत धारा से ऊष्मीय और तापीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत और चुंबक। हम देखते हैं जब किसी भी चुंबकीय क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र में हम देखते हैं कि जो चुंबक रखे हुए रहते हैं उनकी विक्षेपण की दिशा बदल जाती है, तो विद्युत और चुंबकत्व का आपस में क्या है संबंध है। आप चुंबक जानते हो कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक ध्रुव होता है उत्तर और एक होता है दक्षिण। ये एक मान लो आपकी ये एक छड़ है, चुंबक छड़ है, तो एन मतलब नॉर्थ, तो ये कहलाता है उत्तर ध्रुव। और यह है दक्षिण ध्रुव। तो यहां पर एक हम परिपथ लेते हैं। अब आप परिपथ से बहुत परिचित हो गए हो कि परिपथ मतलब जिसमें से करंट बिजली विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। यहां पर आपको मालूम है किसी भी परिपथ में जो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, आप देख रहे हो ना, ये एक क्या बनी हुई है, बैटरी। यहाँ आप देख रहे हो बैटरी का संकेत है धन और ऋण, लाइन के द्वारा से ये लंबा सिरा धन और छोटा सिरा ऋण। तो ये देख रहे हो आप, ये धन सिरा है, यहां से विद्युत धारा। आपको प्रश्न आ सकता है कि किसी भी परिपथ में विद्युत धारा का स्रोत क्या है, तो वो स्रोत है ये बैटरी। ये बैटरी देख रहा है एमीटर। एमीटर क्या करता है, धारा को नापता है, एक उपकरण है। और ये प्रतिरोध है, हम इसमें से जब विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं। और यहाँ पर यदि हम एक इस धारा के मार्ग यहाँ पर पास में एक चुंबकीय सुई रख दें, क्या रख दें, एक चुंबकीय सुई, तो इस चुंबकीय सुई में क्या होता है कि चुंबकीय सुई में एक इस प्रकार डायल होता है और उसमें एक छोटा सा एक चुंबक ही कहना चाहिए लगा रहता है, और उससे हमें एन और एस ध्रुव, इस प्रकार एन और एस ध्रुव दिशा दर्शाती है चुंबकीय सुई। उसमें एक एरो लगा रहता है, तो एरो का मतलब होता है ये उत्तर ध्रुव। तो हम देखते हैं कि इस परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो ये चुंबकीय जो सुई का जो विक्षेप है, वो विक्षेप मतलब उसके अंदर जो संकेतक लगा हुआ है वो हिलता रहता है। इसका मतलब है कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को क्या कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। दोनों में क्या संबंध है? तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धातु के चालक से जब विद्युत धारा क्या होती है प्रवाहित, तो दिक् सूचक सुई मतलब वही चुंबकीय सुई, दिक् सूचक सुई को ही हम चुंबकीय सुई कहते हैं। तो उसके जो कांटा है, जो संकेतक है, वो हिलने लगता है। तो किस प्रकार संबंध है, अभी हम एक और इसका एक प्रयोग करेंगे। आप देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, जब किसी चुंबक विद्युत क्षेत्र में चुंबक रखते हैं तो उसके चारों ओर भी एक दोनों आपस में संबंध रहता है। और यदि हम एक चुंबक रखें तो इस चुंबक के कारण भी इसके चारों ओर एक क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो इसको बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। तो मान लो एक चुंबक के चारों ओर हमने एक लोहे की रेतन, लोहे का चूर्ण रख दिया, और आप थोड़ा सा चुंबक ऐसा घुमाओगे तो ये जो लोहे के कण है, जो रेत है, वो देखना एक विशेष स्थिति में क्रमानुसार क्या हो जाती है, जम जाती है। तो हम इस प्रकार देखते हैं कि ये रेत के कण रहते हैं, जो रेत नहीं सॉरी लोहे के जो कण रहते हैं वो इस प्रकार एक चुंबक के चारों ओर क्या रह जाते हैं, जम जाते हैं, और इस प्रकार ये चित्र बन जाता है। तो चुंबक के चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसको हम क्या बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र। और जो रेखाएं उत्पन्न होती हैं, ये रेखाएं हमें दिखाई नहीं देती हैं, काल्पनिक हैं,
लेकिन ये क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम पढ़ेंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। अभी पहले पढ़ा आपने, तो वह क्षेत्र जिस पर हम किसी चुंबक के बल का अनुभव कर सकें तो वो कहलाता है चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। मान लो ये चुंबक है, उसका प्रभाव मान लो यहां तक है, तो ये क्षेत्र क्या कहलाएगा? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबक के आसपास चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा रहेगा, और चुंबक से मान लो ये ए स्थान है और इसकी दूरी बढ़ती गई इस चुंबक से, मान लो ये बी है, तो इस प्रकार दूर होता जाएगा तो इसका जो चुंबक का जो बल है वो कम होता जाएगा। एक प्रयोग भी करके देख सकते हैं हम। एक दिक्सूचक सुई लेते हैं। दिक्सूचक सुई वही मैंने अभी जो बताया आपको, इसमें एक एरो लगा रहता है, उसमें एन और ये सिरा क्या रहता है, एस रहता है, एरो वाला एन। तो हम एक दिक्सूचक सुई को जब हम एक छड़ चुंबक है ये, देख रहे हैं आप ये क्या है, छड़ चुंबक, तो इसके पास लाते हैं तो ये छड़ चुंबक का एस सिरा है और ये छड़ चुंबक का एन सिरा है। और आपको मालूम है कि चुंबक के जो समान ध्रुव होते हैं, चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, जो समान ध्रुव होते हैं उनमें आपस में विकर्षण होता है। विकर्षण मतलब एक दूसरे से अलग होते हैं, समान ध्रुव। समान को हम सजातीय भी कह सकते हैं, जैसे एन एन, एस एस। और जो असमान ध्रुव होते हैं, विजातीय, जो असमान ध्रुव होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल होता है। तो इसका जो एस ध्रुव है चुंबक का, ये देखिए चुंबकीय जो दिक्सूचक सुई है उसके एन से इस ओर आकर्षित होगी। इस प्रकार हम सुई का स्थान बदल के हम देखेंगे, निशान लगाएंगे, तो इस प्रकार हमें एक गोलाकार वक्राकार बल रेखाएं प्राप्त होंगी। आप देख रहे हैं, हमेशा जो धाराएं होती हैं वो हमेशा उत्तर ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। तो ये देखें, ये उत्तर ध्रुव है, ये एन एन है और ये क्या है, एस। तो ये उत्तर ध्रुव से निकल रही हैं और दक्षिण ध्रुव की ओर जा रही हैं। और चुंबक के अंदर उल्टा है, दक्षिण से कहाँ जाएंगी, उत्तर की ओर, लेकिन चुंबक के बाहर उत्तर से निकल के दक्षिण की ओर जाती हैं। और इस प्रकार हम किसी छड़ चुंबक और दिक्सूचक सुई के द्वारा उसके चारों ओर क्षेत्र रेखाओं को हम बना सकते हैं। ये एक प्रायोगिक वर्क भी रहता है, इसको प्रैक्टिकल में भी करवाते हैं। तो किस प्रकार विद्युत और चुंबक का आपस में क्या संबंध है, तो ये हमने पढ़ा। अब चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय जो बल रेखाएं होती हैं इनके गुण आते हैं कि ये हमेशा उत्तर से कहाँ की ओर निकलती हैं, दक्षिण की ओर। देखना, ये उत्तर है, ये हिस्सा उत्तर है और ये दक्षिण है। तो एन मतलब उत्तर, एन नॉर्थ, उत्तर दिशा, और एस साउथ मतलब दक्षिण दिशा। और चुंबकीय जो क्षेत्र रेखाएं हैं वो हमेशा ऐसा बंद एक वक्र बनाती हैं, और ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। दूर तक ये एक दूसरे को क्या करेंगी, दूसरे को, एक दूसरे को, ये दूसरा है, एक दूसरे को, ये दूरे नहीं है, को काटती नहीं है। अच्छा, अब हम किसी भी धारावाहिक चालक, धारावाहिक चालक मतलब जिसमें धारा क्या हो रही है, बह रही है, हम देखते हैं कि इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसा उत्पन्न होता है। ये एक दिक्सूचक सुई है, आप चित्र में देख रहे हैं ना, दिक चुंबकीय सुई। तो ये परिपथ फिर से आ गया, परिपथ, बैटरी, कुंजी। तो हम देखते हैं कि जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो आप देखें ये दोनों चित्र आपको देखने में एक से लग रहे हैं लेकिन अंतर है। तो देखेंगे जब धारा की दिशा ये आ रही है, तो इसमें एन हिस्सा यहाँ है दिक्सूचक सुई का और एस यहाँ है।
लेकिन यदि हम धारा की दिशा बदल दें, उल्टा कर दें, धारा की दिशा हम कैसे बदल सकते हैं? इस बैटरी के द्वारा, इसके द्वारा। देखिए ये धन सिर है, धारा की दिशा ये है। अब हम इस बैटरी को बदल दें, उसका धन सिरा यहां से जोड़ दें। अब देख रहे हो, पहले धारा की दिशा यहाँ थी, अब धारा की दिशा क्या हो गई? यहाँ हो गई, विपरीत दिशा कर दी। इस चित्र में अंतर है आपको, इस चित्र में और इस चित्र में। यहाँ पर धन सिरा जुड़ा हुआ है और ऋण सिरा यहाँ है। अब आप देखेंगे कि धन सिरा यहाँ है और ऋण सिरा यहाँ है। तो जब धारा का मान हमने विपरीत दिशा में कर दिया, तो हम देखेंगे कि जो दिक् सूचक सुई है, उसमें भी जो विक्षेप हो रहा है, उसकी दिशा भी क्या हो गई? बदल गई। देखिए पहले एन यहाँ था, अब एन यहाँ आ गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि धारावाही चालक में जब हम धारा की दिशा क्या कर देते हैं, बदल देते हैं, तो जो दिक् सूचक सुई का जो विक्षेप है, वो विपरीत दिशा में आ जाता है। तो इस प्रकार धारावाही चालक और चुंबकीय क्षेत्र का आपस में क्या है? संबंध है। अब हम और भी उदाहरण देखेंगे कि सीधे धारावाही चालक में जब हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या होता है? ये एक साधारण परिपथ है। ये हमने एक तार लिया है, जो एक्स और जो वाई, एक जो तार है, इसके हमने बीच में हमने क्या कर दिया? एक कार्डबोर्ड फंसा दिया और उसके उसमें हमने लोह चूर्ण, क्योंकि ये चुंबक और विद्युत धारा का संबंध है, डाल दिया। उसके बाद जब हम इस परिपथ में विद्युत धारा क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, तो हम देखते हैं कि जो लोह चूर्ण है, वो कार्डबोर्ड में इस प्रकार लाइन से क्या हो गया? जम गया। और यहाँ पर एक दिक् सूचक सुई भी रखी हुई है। तो ये क्यों जम गया? क्योंकि विद्युत धारा के कारण वहां चारों ओर एक क्या उत्पन्न हो गया? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और उस चुंबकीय क्षेत्र और लोहे में चुंबक की ओर आकर्षित होने का क्या होता है? गुण होता है। तो इस प्रकार वो लोह चूर्ण इस प्रकार लाइन में एक विशेष स्थिति में क्या हो गया? जम गया। अब हम दूसरी स्थिति में इसकी तुलना करते हैं। अभी हम दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। जब धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो एक दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम बनाया गया है कि जब हम दाएं हाथ से, दाएं हाथ को एक विशेष स्थिति में आपको ऐसे बनाना है, आप देखेंगे तो किस प्रकार। ये देखिए एक विशेष स्थिति है। तो जो आपका अंगूठा है, जो आपका अंगूठा है, वो विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। और जो उंगलियां हैं, वो आपको चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को क्या करेगा? उत्पन्न करेगा। ये देखिए अंगूठा धारा की दिशा को, और ये जो उंगलियां हैं, वो आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो इसको एक नियम के रूप में बना दिया, इसका नाम है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या करेगी? प्रदर्शित करेगी। यह है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, दाएं हाथ में उंगलियों का इस प्रकार नियम। अब हम और भी दूसरे जो चालक हैं, अभी हमने एक सीधा परिपथ देखा था, अब हम एक पौष के कारण, एक वृत्ताकार हमने क्या बना ली है? एक ऐसी कुंडली बना ली है तार को, इस प्रकार एक तारों की गोल कुंडली बना ली है, और उसके बीच में हम एक चुंबक रखते हैं एन एस। ये एन एस एक चुंबक है, एन मतलब उत्तर ध्रुव, एस माने दक्षिण ध्रुव। तो हम देखते हैं कि एक धारावाही वृत्ताकार, इसकी जो है ना, ये पूरा गोल है वृत्ताकार मतलब। तो हम देखते हैं कि एक चुंबकीय
क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है और उससे एक चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इस प्रकार ये देखिए एक वृत्ताकार एक पाश बनाया है और हमने इस प्रकार इसमें से विद्युत धारा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो इस प्रकार आप देखेंगे बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एक परिनालिका। परिनालिका क्या होती है, एक छड़ चुंबक होता है और इस छड़ चुंबक में चारों ओर हम एक विद्युत रोधी तार को लपेट देते हैं। तो ये एक चुंबकीय पदार्थ है, ये जो हम देख रहे हैं ना, मान लो ये ए और बी एक छड़ है चुंबकीय, ये अस्थायी रूप से क्या बन जाती है, चुंबक। जब इसके चारों ओर हम एक तार का एक नाल बना देते हैं, तार को ऐसा लपेट के बहुत सारे फेरे लगा देते हैं, तो एक कुंडली बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, परिनालिका। और जब इस कुंडली में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, तो जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो ये जो छड़ है ए बी, ये नर्म लोहे की, ये अस्थायी चुंबक बन जाता है। तो इस प्रकार देखते हो ये चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार उत्पन्न हो जाती हैं। ये आप देख रहे हो ना, एक परिनालिका बना दी है और ये बैटरी और इस प्रकार विद्युत धारा और चारों ओर, ये हमें दिखाई नहीं देता है लेकिन इस प्रकार अनुभव किया जा सकता है। और यह है एक स्टील की या कोई भी लोहे की छड़ हम ले सकते हैं। तो परिनालिका क्या है, पास पास जो लिपटे विद्युत रोधी तार, विद्युत रोधी मतलब जो सुचालक हैं, उनकी बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को क्या बोलेंगे, परिनालिका। तो अभी हम पढ़ रहे हैं इस पाठ में कि चुंबक और विद्युत का आपस में क्या संबंध है। तो इस प्रकार हम हमने एक पाश एरिया में देखा, एक परिनालिका में देखा, और इस प्रकार हम जब हम किसी भी चुंबकीय पदार्थ को परिनालिका के अंदर रखते हैं तो वो एक अस्थायी चुंबक बन जाता है, तो उसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक जितने भी आप ये पंखे वगैरह देखते हैं, बिजली की जो घंटी होती है, जब विद्युत घंटी, उसमें भी इस प्रकार विद्युत चुंबक का उपयोग किया जाता है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, विद्युत चुंबक किसे कहते हैं, और भी इस पाठ में महत्वपूर्ण प्रश्न है। धन्यवाद।